दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दिन के ठीक 2:30 बजे और अभी जा रही हूँ मैं अपने ससुराल को, क्योंकि तो चलते हैं धारी देवी की तरफ पहले और उसके बाद ससुराल की तरफ। तो दोस्तों वीडियो बोलना नहीं भाई। तो अभी यहाँ पे हम भाई का वेट कर रहे हैं। सोनी वहाँ मजा गाड़ी। तो दोस्तों मैं थोड़ा अभी धारी माँ के मंदिर पे वहाँ पे। तो सबसे पहले आप सभी को मैं प्यारा नमस्ते, मेरा नाम है रितु बिष्ट, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रितु बिष्ट पहाड़ी पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, तो हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने सिरकोट वाले घर से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और अभी हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और अब जाके थोड़ा यहाँ पे धूप आई है। तो एक दो दिन से आजकल थोड़ा अच्छी धूप खिली है, कि वैसे तो 2-4 दिन तक ऐसा हो रखा था मौसम बारिश का, लेकिन बारिश भी नहीं आई और धूप भी आजकल थोड़ा खिल गई है। तो अभी नहा धो के थोड़ा यहाँ पे अभी धूप सेक रहे हैं हम। तो मम्मी तो अभी छत में शायद कपड़े डाल रही है और संध्या कर रही है, अंदर किचन का काम कर रही है, शायद सफाई कर रही है। तो मैं भी अभी धूप पे बैठी हूँ। तो आज दिन तक या शाम तक आज मैं ऊपर ससुराल चली जाऊँगी। और शिवा देखिए यहाँ पे ना खुल बार बार गेट खोल रहा है। कहाँ जा रहा शिवा, कहाँ जा रहा तू, गेट खोल के जा, बाजार जा रहा, काओ कहाँ है काओ, होने दे उस काओ को, क्या करेगी काओ, अंदर अंदर बस अंदर चलो, बाय कर दे काओ को, अंदर मत आना काओ। यहाँ पे एक गाय आ रखी है तो एक बार बार उसको देखने जा रहा है, इसलिए शायद गेट खोल रहा है। मत करो ऐसे गंदे। मामा मामा जी कौन है, कौन आया, क्या है वो, क्या है शिवा वो। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दिन के ठीक 2:30 बजे और अभी जा रही हूँ मैं अपने ससुराल को, क्योंकि अभी भाई थोड़ा अपना सामान छोड़ने जाएगा धारी देवी तक और हम भी जाएंगे वहां तक। और अभी हम हो चुके हैं रेडी, तो अभी कुछ कपड़े हैं शिवा के छत में, क्योंकि सुबह धुले थे वो तो अभी सूखे नहीं है, तो ऐसे ले जाऊंगी और तब सूख जाएंगे। तो ये रहा हमारा सिरकोट और देख सकते हैं आप लोग कितने घने घने मकान है यहाँ भी। तो अब तो पूरे ऊपर तक बन गए हैं यहाँ भी मकान और ऊपर तो आजकल धूप आती ही नहीं है, देख सकते हैं आप लोग ये यहाँ ऊपर भी मकान है लोगों के, अब तो पूरा जंगल में भी मकान बनने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ आगे है चौरास, ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं धारी देवी की तरफ पहले और उसके बाद ससुराल की तरफ। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। बोलना नहीं भाई। तो अभी यहाँ पे हम भाई का वेट कर रहे हैं। सोनी वहाँ मजा गाड़ी आ रही अभी, किस में जाएगा तू, कार में, हम कार में जा रहा तू, नहीं शिवा देख गाड़ी आ रही, गाड़ी यो यो गाड़ी आ रही, गाड़ी तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं धारी देवी तक, वहाँ सामान देने हम, उसके बाद जाएंगे हम मंदोली। ये बनकर अच्छा फूल खिल पूरा डाला पीला मंदिर में। गजब हो गया शिवा गजब। बैठो
से मम्मी को सामान आना है अभी खल का मौसम तो अभी पहुंच गए हैं हम डैम कॉलोनी के ऊपर और ये देखिए ठीक आगे सामने ये रहा हमारा गांव मंदोली तो ये दिख रहा है ऊपर वाला मंदोली भी नीचे वाला मंदोली भी और ये रहा डैम यहाँ पे मंदोली तो अभी बहुत सारी दूर है ये बना घाम और ये देखिए सामने आगे पे थोड़ा सा धारी देवी माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है तो पहुंच चुके हैं हम धारी माँ के मंदिर के ठीक ऊपर के रोड पे तो यहाँ पे अभी भी बिन भाई देगा अपना चौमिन का सामान तो दोस्तों मैं थोड़ा अभी धारी माँ के मंदिर पे वहाँ पे जो दुकान है तो वहाँ पे जा रही हूँ वहाँ कुछ काम है मेरे इसलिए जा रही हूँ तो आज फिर दोबारा यहाँ इस रास्ते में जा रही हूँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो वहाँ पे उस दिन मेरे स्वेटर छूट गए थे तो उसको लेने जा रही हूँ अभी और ये देखिए यहाँ से धारी माँ का मंदिर और आजकल यहाँ पे ना राफ्टिंग भी हो रही है तो बोटिंग राफ्टिंग सब कुछ ना है तो दोस्तों दुकानदार भैया है जो उन्होंने रखी हुई थी स्वेटर तो मिल चुकी है अभी पूरे वो भी एक महीने बाद तो अब मैंने सेवा छोड़ रखा है ऊपर विपिन के पास गाड़ी नहीं तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे अभी ससुराल भी जाना है तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे वोटिंग भी कर रहे हैं लोग तो पहुंच गई हूँ मैं गाड़ी में और नीचे से ऊपर आते आते इतना पसीना आ गया है मतलब क्या ही बोले क्योंकि वहाँ धूप भी अभी बहुत तेज है और भागी जल्दी जल्दी भागी मैं क्योंकि मुझे ससुराल जाना है और भाई को भी काम करना है अपना चौमिन वाला तो इस वजह से जल्दी जल्दी भागी मैं और वो अभी जा रखा है यहाँ पे थोड़ा होटल में तो पता नहीं क्या ला रहा है अभी हम तो अच्छा अभी हम ओके हैं तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:45 और हम पहुंच गए हैं अभी अपने घर में तो देखिए शिवा तुरंत अपने बिस्तर में है
बैठ चुका है और इनकी काउंटिंग करके कलर बता रहा है कौन कौन से कलर है। और ग्रीन, ग्रीन बोलना, और हाँ, और ब्लू बोलना, ब्लू क्या होता है वो, हाँ, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, वही है। तो दोस्तों अभी बज चुका है रात के 7:30 और अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि रात थोड़ा जल्दी पड़ जाती है, तो घर गांव में क्या होता है कि जल्दी खाना पका ही लेते हैं, तो जल्दी से हमने खाना बनाया और खा भी लिया। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय दोस्तों।